आगामी विधानसभा के चुनावों की तैयारी के मद्देनजर सिंगरौली जिले में भाजपा ने खिलता कमल खेलेगा मध्य प्रदेश की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में शनिवार को भाजपा युवा सम्मेलन का आयोजन कर देवसर विधायक ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सम्मेलन में आए युवाओं को भाजपा को राष्ट्रहित की पार्टी करार देते हुए कहा कि सभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जुड़कर पार्टी की रीति और नीति से जुड़कर सीख कर देश के भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। देखिए पूरी खबर संवाददाता चंद्रदेव शाह के साथ। देखिए भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार युवाओं के बीच में काम कर रहा है और ये विधानसभा सम्मेलन हमारा खिलते कमल और खेलेगा मध्य प्रदेश ऐसे दो बहुत ही जो हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। खिलता कमल आज जो खिलते कमल के अंतर्गत हमने विधानसभा सम्मेलन किया, ये सभी विधानसभाओं में हमारे आज 17 को देवसर विधानसभा का सम्मेलन था, 18 को चितरंगी विधानसभा का, इसी प्रकार हम लोग बैठ के आगे के विधानसभा का सम्मेलन तय करेंगे। इस खिलते कमल का हमारा उद्देश्य है कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का ऐसा मानना है कि हर मंडल में हमारे हर अलग अलग सेगमेंट के युवा आज कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उनको उनकी क्षमता के अनुरूप भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी योजनाएँ युवाओं के लिए चलाई हैं, तो उनको उस माध्यम से उन युवा योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उस जानकारी को लगातार हम नीचे तक किस प्रकार से लेके जा सकते हैं, इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी प्रकार से भी खेलेगा मध्य प्रदेश भी एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा करने जा रहा है। एक लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला है, हमारे कार्यक्रम बरसभर ऐसे ही चलते रहेंगे। इसी क्रम में खिलते कमल का ही हमारा विधानसभा युवा सम्मेलन था जो आज हम सबके बीच में सम्पन्न हुआ। धन्यवाद। आज युवा मोर्चा से मैं भी निकल कर आया हूँ, मैं भी युवा मोर्चा के दायित्व में काम किया हूँ, फिर अनुसूचित जाति मोर्चा, फिर प्रदेश, लगातार संगठन में जो संगठनात्मक जो सोच होती है, एक साथ मिलकर जो संगठन के रूप में काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज कार्यकर्ता हम 13 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता हो और लगातार काम कर रही है पार्टी। आज मध्य प्रदेश में जब 1984 में से लेकर जब भारतीय जनता पार्टी बनी, 203 सांसद हैं और हमारा देश में सरकार है और हमारे कई प्रदेशों में सरकार है, क्योंकि इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम होते हैं वो सरकार के विकास कार्यों को बहुत तेज़ी से गति बढ़ रही है। 2003 के पहले की सरकार आप देख सकते हैं, 2003 से 18 तक की जो सरकार थी, लगातार सड़कें हमारी मजबूत हैं, बिजली का हाल आप देखे होंगे, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है। कृषि के मामले में आज किसानों के प्रति एक लोगों को सिंचाई के मामले में, और हमारा कृषि विभाग के माध्यम से हम 7 बार 8 बार से लगातार केंद्र में अवार्ड मिल रहा है। हर युवाओं के प्रति बहुत तेज़ी से काम हमारा संगठन कर रहा है।